हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामास के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं नॉवल में, सो मैं आपको समरी बता देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय की है। 8 साल का एक बच्चा ब्रूनो और उसकी फैमिली सडनली बर्लिन छोड़कर नाजी कंसंट्रेशन कैंप के पास रहने लग जाते हैं, जहां पर ब्रूनो के फादर कमांडर बन गए हैं। ब्रूनो इस बात से बहुत नाखुश और अकेला महसूस करता है। वह एक दिन अपने घर के पीछे भटकता रहता है और तभी उसे सैमुअल मिलता है। वह एक ज्यूइश बॉय था। वह ब्रूनो की उम्र का ही था। क्योंकि वह ज्यूइश था, इसलिए वह नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बंद था। अब ब्रूनो उससे मिलने रोज आता था और ब्रूनो और वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। एक दिन उस लड़के ने कहा कि उसे अपने पापा नहीं मिल रहे हैं, तो सैम्यूल ने ब्रूनो से उसके पापा को कंसंट्रेशन कैंप में ढूंढने के लिए मदद मांगी। अगले दिन ब्रूनो ने फेंस के नीचे एक गड्ढा खोदा, ज्यूइश यूनिफॉर्म पहनी और सैम्यूल के फादर को ढूंढने के लिए कैंप में घुस गया। बट अनफॉर्चुनेटली जब वह कैंप में घुसता है, तब उसे और कैदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है और ब्रूनो और सैम्यूल मर जाते हैं। इस नॉवल की थीम फ्रेंडशिप को दर्शाती है कि किस तरह ब्रूनो ने सैम्यूल की मदद करी डिस्पाइट ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। मुझे यह नॉवल ओके लगी। इसकी एंडिंग बहुत सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग थी। अब मैं आपको इस मूवी के कास्ट के बारे में बताता हूँ। एजा बटरफील्ड ने ब्रूनो का रोल प्ले किया था। वेरा फर्मिगा ने ब्रूनो की माँ का रोल प्ले किया था। जेक स्कैनलन ने सैम्यूल का रोल प्ले किया था। डेविड थ्विलिस ने ब्रूनो के पिता का रोल प्ले किया था और अम्बर बीटी ने ग्रीटर का रोल प्ले किया था।